हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फॉसिल जेन 8 स्मार्ट वॉच को कैसे कनेक्ट करोगे उसके ऑफिशियल ऐप से। तो गाइस, इस वॉच के ऐप का नाम है WWFIT 2.0। तो आपको बस प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ सर्च करना है WWFIT 2.0। तो आपको ऐप ऐसा देखने मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि WWFIT नाम का एक और ऐप है, पर ये ऐप अलग है। पर जो फॉसिल क्लोन वॉचेस के साथ जो कनेक्ट होता है वो WWFIT 2.0 ऐप है। तो आपको इससे अपनी वॉच को कनेक्ट करना है। तो गाइज, अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि आपका ऐप कौन सा है, तो आप इजीली अपनी स्मार्ट वॉच में जाके बारकोड स्कैन कर सकते हो यहाँ से। और आप जैसे स्कैन करोगे तो ये आपको ऐप तक लेके जाएगा। और ये मैंने QR कोड स्कैन करके चेक किया था, तो मेरे को ये वाला ऐप मिला, तो अब मैं इस ऐप को ओपन करूँगा। तो बस आपको इस ऐप को ओपन करना है WWFIT 2.0। और WWFIT 2.0 से कनेक्ट करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी वॉच में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है, क्योंकि आप जब स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करते हो तो स्मार्ट वॉच सिर्फ ब्लूटूथ और लोकेशन से कनेक्ट होता है, और आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर देना है सारी। तो अब आप देखोगे तो यहाँ WWFIT 2.0 लिख के आ चुका है। तो आपको अब यहाँ एक पैर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको पैर करना है, तो आपको इसको अलाउ कर देना है, और जो भी आपको चीज़ की एक्सेस मांगेगा आपको उसको अलाउ कर देना है, और यहाँ से रिफ़्रेश करना है इसको। जैसे ही आप स्वाइप डाउन करोगे खुद ही रिफ़्रेश होगा। फिर आपको वॉच का नाम लिख के आएगा Gen 8, तो आपको इसे कनेक्ट करना है। तो ये कनेक्ट होगा, तो इसे कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप जैसे ही कनेक्ट पर क्लिक करोगे ये सिंथेसिस होना चालू हो जाएगा, और आपको ब्लूटूथ से वॉच को पेयर कर देना है, और अब पूरा जो भी वॉच का डाटा है वो इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ से वॉच कनेक्ट हो चुकी है, अभी ऐप से भी कनेक्ट हो रही है। तो वैसे तो इस ऐप में कनेक्ट करने के लिए थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि जब भी आप क्लिक करते हो Gen 8 पे तो वो फटाफट कनेक्ट नहीं होता है, और सिंथेसिस के लिए भी काफ़ी टाइम लेता है। तो अब वॉच का जो भी पूरा डाटा है फ़ोन में आ चुका है। एक्चुअली मैंने वॉच को पहन के स्टेप्स नहीं लिए थे, इसलिए अपडेट नहीं हुआ, पर स्टेप्स अपडेट हो जाते हैं, हार्ट रेट भी अपडेट हो जाता है, पर मैंने हार्ट रेट भी नहीं चेक की थी वॉच में। तो आपको बस सेटिंग्स में जाना है, इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं। तो नीचे से जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा वॉच को फाइंड करने का। तो अगर आपने वॉच को फाइंड किया तो इससे मेक श्योर हो जाता है कि वॉच कनेक्ट हुई है कि नहीं। तो आप देख रहे होते हैं वॉच वाइब्रेट हो रही है, तो इसका मतलब वॉच कनेक्टेड है। अब यहाँ लिख के आ रहा है स्टेटस कनेक्टेड, चार्जिंग 50% है, और वॉच का मॉडल। फिर यहाँ आप इन्फो पे जाओगे तो आप अपना पूरा डाटा डाल सकते हो, जिससे आपकी एज वेट कितना है, तो उस हिसाब से आपकी कैलोरीज बर्न होगी, मतलब ऐप शो करेगा कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है। और इसमें सेल्फी का भी फीचर है, पर ये फ़ोन के कैमरे से ही सेल्फी होती है, वॉच में कोई कैमरा नहीं है। सेटिंग रिमाइंडर है कि आप कितनी देर तक बैठते हो, तो वॉच ने रिमाइंड करना चाहिए, पर यहाँ भी चाइना में ही लिख के आएगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो अब जैसे ही ऐड पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अलार्म भी सेट कर सकते हो अपनी वॉच में। और फिर आप यहाँ से एक्टिवेट यहाँ से बता सकते हो कि वॉच आपने कौन से हाथ में पहनी है। और वॉच का आप ये फीचर ऑन करोगे तो इसमें होता ही है ना गाइस, ये फीचर में कि अगर आपने वॉच को बिना बटन हाथ लगाए वॉच को ऑन कर सकते हो, आपको बस वॉच को ऐसे करना है, तो वॉच बिना हाथ लगाए वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो ये फीचर मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है कि आप बिना वॉच का बटन टच किए वॉच का डिस्प्ले ऑन कर सकते हो। फिर यहाँ से आप ऐप्स की नोटिफिकेशंस ले सकते हो अपनी वॉच में, आप पूरी नोटिफिकेशंस गेट कर सकते हो ऐप से। तो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि आप व्हाट्सअप, फेसबुक सारे ऐप्स की नोटिफिकेशंस ले सकते हो इसमें। फिर कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, अदर सेटिंग्स में वाइब्रेशन ऑफ कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो वॉच को डिसकनेक्ट कर सकते हो ऐप से। और यहाँ ऐप के बारे में है, और अब मैं मेन फीचर की बात करूँ तो डायल सेटिंग्स मेन फीचर है। तो डायल सेटिंग्स इसमें कितने बार खुलती नहीं है, और अब आप देखोगे तो ये इस वॉच की डायल सेटिंग्स नहीं है, ये अच्छे से लोड ही नहीं हुई है एक्चुअली। अगर मैं इसमें से कोई भी वॉलपेपर सेट करूँगा तो ये अपलोड ही नहीं होगा, और अपलोड भी हुआ तो टेढ़ा मेढ़ा अपलोड होगा, क्योंकि ये वॉच में जो वॉच फेसेस होते हैं ना, ये देखिए, आप देखिए फेल लिख के आ चुका है इधर। तो इस वॉच में जो वॉच फेसेस होते हैं ना, वो
राउंड होते हैं, और इसमें जो अपडेट हुआ स्क्वायर वाला हुआ है, ये कोई और वॉच का अपडेट हुआ है, तो इसका भी इशू आता है। तो आपको क्या करना है बस कि ऐप को वापस से रिकनेक्ट करना पड़ेगा, आपको वापस ऐप अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और रिकनेक्ट करना पड़ेगा। आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने ये इस ऐप को वापस अनइंस्टॉल किया और रीइंस्टॉल कर दिया, मैंने वॉच को वापस कनेक्ट किया और वॉच को भी एक बार मैंने रीसेट कर लिया था। तो अब आप देखोगे तो मैं डायल पुश की सेटिंग्स पे वापस जाऊँगा तो पहले बताएगा कि ये नॉट सपोर्टेड है, फिर दो चार बार क्लिक करने के बाद डायल सेटिंग्स खुल जाएगी और आपको सारे इसमें वॉलपेपर्स देखने मिलेंगे और आप इसमें से कोई भी वॉलपेपर ऐड कर सकते हो अपनी वॉच में। और जैसे आप ऐड पर क्लिक करोगे वॉच में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा वॉलपेपर। आप देख सकते हो कि इसमें वॉलपेपर अपलोड हो चुका है काफ़ी टाइम बाद, तो आप इसमें कोई भी वॉलपेपर अपलोड कर सकते हो। और ये बहुत ही अमेजिंग है कि आप ऐप से वॉलपेपर अपलोड कर सकते हो। इसे खुलने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है पर आप अपलोड कर सकते हो। और आप देखोगे तो मैंने आपको अपडेट किया था तो यहाँ आपको ऑनलाइन वॉलपेपर्स मिलेंगे और यहाँ कस्टम वॉलपेपर मिलेगा। कस्टम वॉलपेपर में आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, आपको क्लॉक ऊपर रखनी है नीचे रखनी है आपको डिसाइड करना है, चेंज द बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज द बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करोगे तो गैलरी खुल जाएगी, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने गैलरी से एक फ़ोटो ली है और अब मैं आपको उसको सेट करके दिखा दूंगा कि आपको कैसे सेट करना है। तो गैलरी से मैंने वाली फ़ोटो सिलेक्ट की थी, अब ये वॉच में अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज आप देख सकते हो कि इसमें कस्टम वॉलपेपर भी लग चुका है, तो आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो और कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हो। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।